देखिए दोस्तों, हम पालक की पूरी बना रहे हैं। हमने पालक को अच्छे से ग्राइंडर कर दिया है और आटा डाल दिया है, आप देख सकते हो। और हमने बेसन डाला है, बेसन इसलिए डाला है थोड़ा क्रिस्पी भी हो जाता है। देखिए हमने इसमें सूजी डाली है जिससे ये पूरी जो है क्रिस्पी हो जाती है। आप चाहो तो पराठा भी बना सकते हो, तो पराठा भी क्रिस्पी हो जाता है, लेकिन पूरी ज्यादा स्वाद लगेगी। देखिए हमने धनिया पाउडर डाल दी है, ये हल्दी हमने डाली है, डालो डालो। देखिए नमक स्वाद अनुसार हमने डाला है, ये हमने अजवाइन ली है, थोड़ा मैश कर दिया है हाथ से, और ये हमने अजवाइन डाली है। ये तेल डाल रहे हैं मोन, जिससे हमारी पूरी और सॉफ्ट भी और क्रिस्पी दोनों बन जाती है। आप चाहो तो तेल डालिए या घी डालिए, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। हमने तो तेल डाला है, अब हम इसमें भूनेंगे। ये देखिए ये पालक का साग है, इसमें पानी की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ओह सॉरी, ये देखिए पालक को हमने ग्राइंडर कर दिया था और हम इसे भून रहे हैं। हमें पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें लगता है कि पतला हो रहा है तो हम और आटा डाल देंगे, और अगर हमें लगता है कि हमें पानी की जरूरत है तो ही हम डालेंगे। अभी फिलहाल हमें लग नहीं रहा है कि हमें पानी की जरूरत पड़ेगी। इसे हमें थोड़ा सॉलिड गूंदना है। देखिए हमने ये कितने अच्छा सॉलिड हमारा ये गूंद चुका है पालक का, जिसे हमने गूंदा है। अब हम इसे 15-20 मिनट के लिए ढक देंगे जिससे ये सेट हो जाए। देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए कितना अच्छा सेट हो चुका है। अब देखिए हम ये हमने आटा लिया है थोड़ा सा आटा, इसको थोड़ा और अच्छे से मैश कर लेंगे। ये हमने तेल ले लिया है, जब तक ये हमारा तेल गरम हो रहा है जब तक हम इसकी लोई बना रहे हैं छोटी छोटी। ये आप देख सकते हो, आप देखिए ये पूरी हमने डाली है, आप देख सकते हो कितनी अच्छी फूल चुकी है। ये पूरी हमने डाली थी, कितनी अच्छी फूल चुकी है। वैसे पराठे भी आप बना सकते हो, लेकिन पूरी बना रहे हैं तो ये ज्यादा अच्छी लग रही है। ये देखिए हम एक और डाल रहे हैं। ये देखिए आप देख सकते हो, ये हमने जो अभी आटा गूंदा था उसको हमने 15-20 मिनट के लिए भी थोड़ा रख दिया था, जिससे वो अच्छे से मतलब स्टोर हो चुका था। मतलब आप देख सकते हो उससे कितना फर्क पड़ा है, हमारी पूरियां कितनी अच्छी फूल रही हैं। देखिए दोस्तों, ये हमने आलू की सब्जी, चना और हलवा आप देख सकते हो, और ये हमने पालक की पूरी भी बना दी है। ये हमारी नवरात्रि स्पेशल डिश बनी है। आपको अगर ये अच्छी लगी हो तो आप हमें प्लीज कमेंट्स करके पूछ भी सकते हो, और आप हमें ऐसी और अच्छी अच्छी जानकारियां देते रहेंगे। हाँ, अच्छे अच्छे बनाते रहेंगे। मैंने प्रसाद के लिए बनाया मगर मैंने थाली में लगा दिया कन्या को देने। देखिए दोस्तों, जैसे इन्होंने बताया है तो आप इस चीज को आप जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको जो भी जानकारी पूछना है आप हमसे पूछ सकते हो। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर करना। टेक केयर, जय हिंद, जय माता दी।